आर्चर क्वीन एक महान योद्धा है जिसकी बाज जैसी तेज नजर और कमाल के डैमेज के कारण वो सभी विलेज वालों की फेवरेट ट्रूप है। आर्चर क्वीन नॉर्मल आर्चर से अलग बहुत ज्यादा बड़ी है और लड़ाई के लिए उसके पसंदीदा हथियार एक मॉडिफाइड मिनी एक्सपो है और इस एक्सपो को हाथ में पकड़ने के लिए बाकी ट्रूप सिर्फ सपने ही देख सकती है। आर्चर क्वीन विलेज को अटैक और डिफेंस दोनों में ही मदद करती है और बार्बेरियन किंग की तरह आर्चर क्वीन अमर है, पर आर्चर क्वीन को सिर्फ एक्सपो ही नहीं है जो उसे बाकी ट्रूप से अलग बनाता है। उसकी स्पेशल एबिलिटी रॉयल क्लोक जो उसे कुछ देर के लिए इनविजिबल कर देती है उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रूप बना देती है। और इतनी ज्यादा खतरनाक योद्धा बनने से पहले वो कौन थी और उसे ये अजीब सी एबिलिटी कहाँ से मिली, तो आइए जानते हैं आर्चर क्वीन के बारे में। स्टोरी ऑफ आर्चर क्वीन में बहुत लंबे समय से क्लैश विलेज में सब नॉर्मल ही था और ट्रूप्स वही करती थी जो वो करने के लिए बनी थी, पर जब से विलेज में डार्क लिक्जर मिला था हमने कुछ अजीब सी चीजें होती देखी है क्लैश विलेज में। और इन सब अजीब सी चीजों में एक ट्रूप थी जो हमेशा से एक ही चीज करती थी और वो ट्रूप थी विलेजर्स की क्लैप लेडी। क्लैप लेडी इस विलेज की शुरुआत से ही क्लैश विलेज में एक जगह से दूसरी जगह में क्लैप करती रहती थी और पूरे विलेज में उनसे ज्यादा अलर्ट कोई नहीं था, क्योंकि जब भी विलेज पर अटैक होता था तो वो सबसे पहली होती थी जिन्हें अटैक का पता चलता था और वो जल्दी से भागते हुए टाउन हॉल में चली जाती थी। और उन सब विलेजर्स में एक विलेजर थी जिसका नाम था कैलोपी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अटैक होने पे भागकर टाउन हॉल में क्यों चले जाते थे वजह इसके कि वो वहीं पे खड़े होकर लड़ते क्यों नहीं थे। और जब ये उसने विलेज के एल्डर से पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें लड़ाई करना नहीं आती और उनका यही काम है, पर कैलोपी इससे खुश नहीं थी इसलिए उसने फैसला लिया कि वो कुछ ऐसा करेगी जो पहले किसी भी विलेजर ने नहीं किया था, वो लड़ना सीखेगी। उस समय पर विलेज में दो हाथों से कुल्हाड़ी चलाने वाली खूंखार योद्धा वॉल्करी काफी मशहूर थी, पर कैलोपी कुछ आसान से शुरुआत करना चाहती थी इसलिए उसने आर्चरी सीखने का फैसला लिया। इसके बाद उसने अपना सामान पैक किया और वो तैयार थी एक आर्चर बनने के लिए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ट्रेनिंग करने के लिए इसलिए वो अपने से ही अजीब से सपने देख रही थी और सोच रही थी कि ट्रेनिंग में कितना मजा आएगा, पर जब वो सच में ट्रेनिंग के लिए पहुंची उसके सारे सपने गायब हो गए क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने सोचा था। और वो जिद्दी थी और उसने सोच लिया था कि वो आर्चरी सीखेगी इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग पर लगी रहती थी, पर ट्रेनिंग में उसे कोई भी आर्चर पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उनसे अलग थी और ट्रेनिंग में कई बार कैलोपी का मजाक उड़ाया जाता था और उसे कहा जाता था कि तुम्हें वापस जाकर क्लैपिंग करनी चाहिए, तुम कहाँ आ गई हो आर्चरी सीखने के लिए। और उसके पास आर्चर की तरह अच्छे कपड़े और तीर भी नहीं थे जिसके कारण उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, पर कैलोपी वहीं टिकी रही और समय के साथ कुछ आर्चर उसकी दोस्त बन गई। पर फिर भी वो बाकी आर्चरों से अलग थी क्योंकि सभी आर्चर्स अपने हुड के पीछे एक खास तरह का कैप पहनती थी, ये कैप उन्हें बाकी ट्रूप से अलग बनाता था। फिर एक दिन कैलोपी रोज की ही तरह ट्रेनिंग कर रही थी और वो बहुत ज्यादा अच्छा निशाना लगा रही थी और पास में खड़ी आर्चर ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा इसलिए वो उसके पास गई और उससे कहा कि सब बेकार है, तुम कभी भी हमारे जैसे नहीं बन सकती, तुम्हारे पास आर्चर का कैप नहीं है, अगर तुम सच में हमारे जैसा बनना चाहती हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम आर्चर बनने के लायक हो। कैलोपी जानना चाहती थी कि वो आर्चर कैसे बन सकती है इसलिए उसने आर्चर से पूछा कि वो क्या करे, पर किसी भी आर्चर ने उसे कुछ नहीं बताया और वहाँ से चली गई। उसने ये बात बाद में बिल्डर को बताई और उसे कहा कि कोई भी आर्चर उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि वो उनसे अलग है। और इससे पहले कि बिल्डर उससे कुछ कहता कि कैलोपी ने अचानक से खुश होकर कहा कि वो अलग है और बस उसे उनकी तरह दिखने की जरूरत है, इसलिए उसने अपने बालों का रंग बदल दिया और पिंक कर दिया। और फिर जब वो अगले दिन ट्रेनिंग पर गई वो बाकी आर्चर्स की तरह दिख रही थी और वो सोच रही थी कि अब उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, और ऐसा ही हुआ। सभी आर्चर्स उसे देखकर हैरान थी, किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, पर जल्द ही उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम आर्चर की तरह दिख तो रही हो पर अब भी तुम आर्चर नहीं हो। कैलोपी ने पूछा वो कैसे। आर्चर्स ने उसे बताया कि जब ग्रैंड वार्डन ने सबसे पहली आर्चर बनाई थी तब उसने उसे एक खास तरह का कैप दिया था और उस कैप में कमाल की शक्ति थी, पर एक दिन किसी को भी नहीं पता क्या हुआ वो आर्चर और केप अचानक से गायब हो गए और उस दिन से सभी आर्चर ये केप पहनती हैं उस आर्चर के सम्मान में, इसलिए तो हम जैसी नहीं बन सकती हो तो बनने की कोशिश भी छोड़ दो। ये जानने के बाद कैलोपी और भी ज्यादा एक्साइटेड होगी और क्योंकि कैलोपी जीतती थी उसने सोच लिया था कि अब वो आर्चर बन के रहेगी। वो जानती थी कि सभी आर्चर्स जो बैरक से आती थी उनके पास ये केप था, पर क्योंकि कैलोपी एक विलेजर थी वो कभी भी बैरक से नहीं आई थी, उसने खुद से कहा कि जरूर और कोई रास्ता होगा। फिर उसे याद आया कि ग्रैंड वार्डन ने पहली आर्चर को ये कैप दिया था तो शायद उसके पास उसके सवालों का जवाब होगा, पर ग्रैंड वार्डन काफी समय पहले ही विलेज को छोड़कर चला गया था इसलिए वो उससे नहीं पूछ सकती थी। ग्रैंड वार्डन विलेज को छोड़कर क्यों चला गया था इसकी पूरी कहानी मैंने आपको स्टोरी ऑफ ग्रैंड वार्डन में बताई है। ग्रैंड वार्डन तो विलेज में था नहीं, लेकिन उस समय विलेज में विजर्ड काफी मशहूर था क्योंकि वो कमाल की नई डार्क लिक्जर ट्रूप बना रहा था। कैलोपी को लगा विजर्ड उसकी मदद कर सकता है इसलिए उसने बिल्डर को उसकी बात विजर्ड से करवाने के लिए कहा क्योंकि बिल्डर और विजर्ड अच्छे दोस्त थे। बिल्डर ने विजर्ड को कैलोपी से मिलने के लिए मना लिया
जब कैलोपी विजर्ड से मिली, उसने अपनी सारी कहानी विजर्ड को बताई और विजर्ड से कहा कि उसकी मदद करो। विजर्ड ने जब केप के बारे में सुना, उसने कहा कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर ग्रैंड वार्डन ने उसे बनाया था तो उसने उसे अपनी बुक ऑफ एवरीथिंग में जरूर लिखा होगा। तो फिर विजर्ड उसे ग्रैंड वार्डन की डायरी में देखने लगा। जब विजर्ड डायरी में देख रहा था तो कैलोपी ने एक पेज पे कुछ गोब्लिन किंग के बारे में लिखा देखा, और कुछ देर देखने के बाद विजर्ड को एक पेज मिला जिस पर आर्चर के बारे में भी लिखा था। विजर्ड ने उसे जल्दी से पढ़ा और उस पर ग्रैंड वार्डन ने लिखा था, मैंने एक कमाल की नई ट्रूप बनाई है जो बहुत अच्छी आर्चरी करती है, पर मैंने उसे एक खास रॉयल क्लोक दिया है जो एक कपड़ा है कुछ अद्भुत शक्ति के साथ, पर आर्चर उसकी शक्ति को नहीं संभाल सकती, और इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं नहीं चाहता कि ये गोब्लिन किंग के हाथ में आए, इसलिए मैं इसे ऐसी जगह पे छिपा रहा हूँ जहाँ पे गोब्लिन किंग कभी नहीं ढूंढ पाएगा, पर मैं जानता हूँ कि एक दिन एक महान योद्धा आएगी और इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगी। ये जानने के बाद तो कैलोपी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और वो उसे ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो तैयार थी रॉयल क्लॉक के हंट के लिए, पर कोई भी नहीं जानता था कि वो कहां पर होगा। कैलोपी रॉयल क्लॉक के बारे में बस यही जानती थी कि वो एक कपड़ा है जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, और ग्रैंड वार्डन ने उसे गोब्लिन किंग से बचाने के लिए कहीं पर छुपा दिया है। ग्रैंड वार्डन उसे पूरे क्लैश एम्पायर में कहीं पर भी छिपा कर रख सकता था। वो जानती थी कि ग्रैंड वार्डन ने उसे किसी आसान जगह पर तो छिपाया नहीं होगा और उसे ढूंढना आसान भी नहीं होगा। कैलोपी बहुत परेशान थी और वो जानना चाहती थी कि वो कहां पर हो सकता है, और विलेज में भी किसी को नहीं पता था कि वो कहां पे होगा। वो ट्रेनिंग में भी नहीं जाती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सभी आर्चर उसका मजाक उड़ाएंगी, फिर भी वो कभी कभी ट्रेनिंग पर चली जाती थी, पर ज्यादातर समय वो अकेली ही रहती थी और सोचती थी कि केप कहाँ हो सकता है। फिर एक दिन वो ऐसे ही अकेली बैठी थी और अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसकी नजर दूर एक लालची गोब्लिन पर पड़ी जो गोल्ड स्टोरेज से गोल्ड चोरी कर रहा था और अपने छोटे से बैग में भरता जा रहा था, पर कैलोपी ने वहाँ पर कुछ अजीब होता हुआ देखा। गोब्लिन ने गोल्ड को अपने बैग में भरा और अपने बैग को पेड़ के पास रख दिया, और जब दूसरा गोब्लिन आया उसने उस बैग को कभी देखा ही नहीं और गोल्ड माइन से गोल्ड चोरी करने लगा। यह अजीब कि गोब्लिन किसी का भी गोल्ड चोरी कर सकते थे, पर लेकिन उसने गोब्लिन के गोब्लिन बैग में से गोल्ड को चोरी नहीं किया। और तभी कैलोपी को ग्रैंड वार्डन की डायरी में लिखी बात याद आई कि मैंने उसे ऐसी जगह पर छिपाया है जहां पर गोब्लिन किंग कभी नहीं ढूंढेगा। वो जानती थी कि ग्रैंड वार्डन ने उसे कहां छिपाया होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और जाने से पहले वो विजर्ड से मिली और उसे बताया कि मुझे लगता है कि ग्रैंड वार्डन ने उसे गोब्लिन किंग के पास ही रखा है, और गोब्लिन किंग को भी नहीं पता कि वो उसी के पास छिपाया गया है। पर एक समस्या है, किसी ने भी गोब्लिन किंग को काफी समय से देखा नहीं था और किसी को नहीं पता था कि गोब्लिन किंग कहां पर रहता था। कैलोपी ने विजर्ड से कहा कि ग्रैंड वार्डन की डायरी में गोब्लिन किंग के बारे में भी लिखा था, क्या पता उससे कुछ पता चले। फिर वे डायरी में गोब्लिन किंग के बारे में पढ़ा और वहां पर ग्रैंड वार्डन ने लिखा था कि गोब्लिन किंग अपने रॉयल टेंपल में रहता था। रॉयल टेंपल, किसी को नहीं पता था कि रॉयल टेंपल कहां था, पूरे गोब्लिन मैप में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। फिर कैलोपी ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि ये सब बहुत पहले की बात है, और अगर ऐसी कोई जगह हुई भी होगी तो अब तक वो बहुत पुरानी हो गई होगी, और क्या पता वो यहाँ क्लैश विलेज और गोब्लिन विलेज में हो ही नहीं। विजर ने कहा, तुम्हारा मतलब वो क्लैश रॉयल अरीना में जंगल अरीना में है। जंगल अरीना एक पुराना सा खंडर जैसा अरीना है, यहाँ पर आसानी से सोने की बनी गोब्लिन किंग की मूर्तियाँ देख जा सकती हैं, और वो एक टेंपल की तरह दिखता था। कैलोपी जानती थी कि उसे अब कहाँ जाना था, पर इससे पहले कि कैलोपी जाती, विजर ने उसे एक बोतल में एक स्पेल दिया और कहा कि ये तुम्हारे काम आएगा। कैलोपी ने पूछा कि ये क्या करता है। विजर ने उसे बताया कि ये तुम्हें कुछ देर के लिए बड़ा कर देगा, पर इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। इसके बाद कैलोपी रवाना हो गई क्लैश रॉयल के जंगल एरिना की ओर। उसने क्लैश रॉयल एरिना के बारे में सुना तो था, पर उसे नहीं पता था कि वो कैसा होगा, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। और फिर कुछ ही देर में वो क्लैश रॉयल के जंगल एरिना में पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची, उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एरिना में बैटल नहीं हो रही थी। उसने देखा वहां पर चारों तरफ बड़ी गोब्लिन किंग की मूर्ति और बड़ी सी गोल्ड स्टोरेज पड़ी थी, और बीच में एक बड़ी सी नदी थी। उसने जब उन्हें देखा, उसे पता था कि वो सही जगह पर आई है और उसे वो केप यही मिलेगा। फिर उसने गोब्लिन किंग की मूर्ति में कुछ अजीब सा देखा। उसने देखा कि गोब्लिन किंग के बड़े से मुंह के पास एक रास्ता बना था, इसलिए वो वहां से अंदर चली गई। जब वो अंदर पहुंची, उसे ऐसा लगा कि वो अलग ही दुनिया में आ गई है। वहां पर हर जगह पर लाइट ही लाइट थी, और कैलोपी अभी उस जगह को देख ही रही थी कि तभी अचानक उसकी तरफ कुछ तीर उड़ते हुए आए। कैलोपी बहुत तेज थी, इसलिए उसने उन तीरों को आते हुए देख लिया, इसलिए वो उनसे बच गई। जब कैलोपी ने देखा कि वो तीर कहां से आए, उसने अपने आगे दूर दुबई जैसी चमकती हुई आंखें देखी, और फिर एक और तीर कैलोपी की तरफ आया और उसके आगे आकर गिर गया। पर इस तीर पर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा था। कैलोपी ने उस तीर को उठाया और कागज पर लिखे मैसेज को पढ़ा। उस पर लिखा था कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था,
और नीचे लिखा था ईगल आइड हंटर्स। केली पो जानना चाहती थी कि ये ईगल आइड हंटर्स कौन है और उस मैसेज पे लिखा था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसलिए उसने अपने आप में सोचा कि क्या उसे वापस चले जाना चाहिए या फिर उसे आगे बढ़कर पता करना चाहिए कि वो कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और अब तक जो भी उसकी जिंदगी में हुआ था उसे याद किया और फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपने आप से कहा कि मैं उस केप के बिना तो कहीं नहीं जा रही, मैं भी तो देखूं ये ईगल आइड हंटर्स कौन है। और फिर वो उन चमकती हुई आंखों की ओर भागने लगी। कैलोपी को ऐसे लग रहा था कि वो उसके पास पहुंच रही है और वो उस तक पहुंच नहीं रही थी। कैलोपी को थोड़ा समय लगा ये समझने में, पर जब उसे समझ आया वो वहीं रुक गई। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां सब कुछ अजीब था। तभी ईगल आइड हंटर्स बोली कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम रॉयल क्लॉक को ऐसे ही ले जाओगी। ग्रैंडवॉर्डन ने उसे बचाने के लिए पहले से ही तैयारी की थी, इसे कभी गॉब्लिन किंग भी नहीं ढूंढ पाया था, पर मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी आगे तक पहुँच गई। कैलोपी ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अगर तुम रॉयल क्लॉक के बारे में जानती हो तो तुमने उसे क्यों नहीं लिया। हंटर्स ने उसे कहा कि तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैलोपी ने उसे बताया कि उसका नाम कैलोपी है और वो पहली आर्चर बनना चाहती है जो बैरक से नहीं आई हो। हंटर्स ने उसे हंसकर बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। फिर उसने एक फायर से भरा हुआ तीर मारा और उस जगह में लाइट ही लाइट कर दी। कैलोपी उसे लाइट में देख के हैरान थी, वो एक आर्चर थी। हंटर्स ने उसे कहा कि मैं माफी चाहूंगी पर तुम कभी भी पहली आर्चर नहीं बन सकती जो बैरक से नहीं आई हो, क्योंकि वो मैं हूँ। कैलोपी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम पहली आर्चर हो जिसे ग्रैंड वॉर्डन ने बनाया था और तुम अचानक से गायब हो गई थी। ग्रैंड वॉर्डन ने आर्चर क्यों और कैसे बनाई थी ये हम स्टोरी ऑफ आर्चर में जानेंगे। तुम अब भी जिंदा हो, उसने कहा। हाँ, पर कैसे? ग्रैंड वॉर्डन नहीं चाहता था कि ये शक्ति किसी गलत हाथ में जाए, इसलिए उसने मुझे इसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ भेज दिया था। इसीलिए मैं अचानक से गायब हो गई थी, और सिर्फ एक महान योद्धा ही है जो इसकी शक्ति को संभाल सकता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक महान योद्धा हो तो तुम्हें रॉयल क्लॉक मुझसे होकर लेना होगा, क्योंकि उसे पाने का एक ही तरीका है, मैं और एक महान योद्धा। तो क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कौन है पहली असली आर्चर, और एक आर्चर फाइट से अच्छा क्या तरीका होगा ये जानने का। फिर दोनों आपस में फाइट करने लगी। हंटर्स कैलोपी से बहुत अच्छी थी और बहुत तेज भी थी। कैलोपी जानती थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हार जाएगी, उसे कुछ तो करना होगा। इसलिए उसने विजर्ड द्वारा दिए गए स्पेल का इस्तेमाल किया। स्पेल का इस्तेमाल करते ही वो उससे बड़ी हो गई, और फिर कैलोपी ने एक तीर मारा और वो बहुत तेजी से सीधा हंटर्स को बजा। जैसे ही वो तीर हंटर्स को बजा वो नीचे गिर गई। कैलोपी दौड़कर उसके पास गई ये देखने के लिए कि क्या हुआ। जब वो हंटर्स के पास पहुंची, हंटर्स ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, इसका सही इस्तेमाल करना और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहीं पर होऊंगी। और फिर हंटर्स रॉयल क्लॉक में बदल गई। कैलोपी को दुख हुआ, पर लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे केप मिल गया था। पर जब उसने उस केप को देखा वो बहुत छोटा था और वो बहुत बड़ी थी, इसलिए केप को बड़ा करने के लिए उसने विजर्ड के स्पेल को फिर से इस्तेमाल किया और उसे बड़ा कर दिया। और फिर उसने उस केप को पहन लिया। केप पहनने के बाद वो वापस रवाना हो गई होम विलेज की ओर। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो आर्चर बन गई थी। पर जब वो विलेज पे पहुंची वहां उसे कोई नहीं पहचान रहा था, इसलिए वो विजर्ड के पास गई और उसे बताया कि उसे रॉयल क्लॉक तो मिल गया है पर वो वापस नॉर्मल नहीं हो रही और इस केप में कुछ भी खास नहीं है। विजर्ड ने कैलोपी से पूछा कि तुमने पोशन का इस्तेमाल केप पे तो नहीं किया, उसने कहा हाँ। विजर्ड ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया पर इस पोशन में डार्क लिक्जर था और डार्क लिक्जर ने उसे तुम्हारे दिया और डार्क लिक्जर और रॉयल क्लॉक इस साथ में इस्तेमाल करने के कारण यह तुम्हारा हिस्सा बन गया है। कैलोपी ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। विजर्ड ने उसे समझाया कि डार्क लिक्जर कुछ अजीब सी चीजें कर सकता था और उसने तुम्हें बड़ा तो कर दिया है, पर क्योंकि तुमने उसका इस्तेमाल रॉयल क्लॉक पे भी किया है तो रॉयल क्लॉक में भी डार्क लिक्जर का इफेक्ट चला गया है, जिसके कारण अब तुम हमेशा बड़ी रहोगी और शायद तुम वापस लिक्जर में भी नहीं बदलोगी। कैलोपी ने विजर्ड से पूछा कि क्या वो उसे ठीक कर सकता है। तो विजर्ड ने कहा कि वो कोशिश करेगा पर लेकिन वो मुश्किल होगा, पर वो जानती थी कि एक ट्रूप है जो उसकी मदद जरूर करेगी और वो था बिल्डर। जिस दौरान कैलोपी रॉयल क्लॉक के हट के लिए गई थी उस दौरान बिल्डर टाउन हॉल 9 पे काम कर रहा था। और जब कैलोपी ने बिल्डर को अपनी कहानी बताई कि कैसे वो बड़ी हो गई है तो बिल्डर ने कहा कि मैं एक लेजेंडरी वेपन पे काम कर रहा हूँ जो मैं अगली टाउन हॉल पे दिखाने वाला था, पर मुझे लगता है कि मैं उसका एक मिनी वर्जन बना सकता हूँ खास तुम्हारे लिए। और फिर बिल्डर ने एक शानदार मॉडिफाइड मिनी एक्सपो बनाया और फिर उसने ये एक्सपो कैलोपी को दे दिया। और जब कैलोपी उस रॉयल क्लॉक को पहन के ट्रेनिंग में गई और जब बाकी आर्चर्स ने उस लेजेंडरी रॉयल क्लॉक को देखा, उन्होंने उसके सामान में अपना सर नीचे किया और कहा कि हमारी क्यून आ गई है, और सभी उसे आर्चर क्यून कहने लगे। और वो एक क्यून ही थी क्योंकि लड़ाई में वो एक हीरो की तरह हर एक चीज को तबाह कर देती थी।
पर हर लड़ाई के साथ उसकी डार्क लेजर की भूख बढ़ती जा रही थी। इसलिए चार बार और डार्क लेजर पीने के बाद उसे कुछ अलग महसूस हुआ और जब वो अगली बार लड़ाई लड़ रही थी उसे हंटर्स की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो। और अचानक से आर्चर क्वीन पहले से दो गुना ज्यादा ताकतवर हो गई और उसने पहली बार रॉयल क्रॉक की शक्ति को इस्तेमाल होते हुए देखा। वो अचानक से गायब हो गई और एनिमी को नहीं पता चला कि आर्चर क्वीन कहाँ पर है और वहाँ पर छोटी सी आर्चर आ गई। आर्चर क्वीन भी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करके हैरान थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एबिलिटी थी जो कुछ देर के लिए आर्चर क्वीन को गायब कर सकती थी। इसके कारण आर्चर क्वीन काफी मशहूर हो गई थी और बैटल में बर्बेन किंग और आर्चर क्वीन की जोड़ी कमाल की थी। एक टैंक का एक्सपर्ट था तो दूसरा डैमेज का एक्सपर्ट थी। उन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि एक दिन बर्बेन किंग ने आर्चर क्वीन से उससे शादी करने के लिए पूछा और फिर उन दोनों ने शादी कर ली और तब से वो विलेज के किंग और क्वीन है। और बाद में बिल्डर ने किंग की तरह आर्चर क्वीन के लिए एक आल्टर बनाया जिसपे क्वीन रेस्ट करती थी। तो ये थी कहानी आर्चर क्वीन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा। तो आज की कहानी बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। देखने